5,000 रुपए में शुरू करें पूजा सामग्री की दुकान, होता है 25% तक का मुनाफा। भारत में इस समय त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है जो कि एक महीने से भी ज्यादा समय तक चलेगा। त्योहारों के इस सीजन में क्यों ना आप भी कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें कम निवेश में लाखों का मुनाफा हो। पूजा के सामान का स्मॉल बिजनेस करके आप घर बैठे ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। फेस्टिव सीजन का यही फायदा होता है कि छोटे छोटे व्यवसाय से काफी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप पूजा के सामान से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पूजा सामग्री दुकान शुरू करने के लिए जगह। पूजा के सामान का बिजनेस आप उस लोकेशन पर करें जहां पर इसकी मांग ज्यादा हो, ताकि आपका सामान बिना किसी परेशानी के आसानी से बिक सके। अगर आप चाहें तो आप किसी लोकल मार्केट में दुकान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप इस काम को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? अगर आप पूजा सामग्री बेचने के लिए दुकान खोलना चाहते हैं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि बिना किसी समस्या के आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? ये कारोबार आप बहुत ही कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूजा के सामान का बिजनेस आप कम से कम 5,000 रुपए का निवेश करके आराम से शुरू कर सकते हैं। इतने कम पैसों में आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप चाहें तो अपने बजट के हिसाब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मुनाफा कितना होगा? जानकारी के लिए बता दें कि पूजा के सामान का बिजनेस करने के बाद आप बहुत आराम से 20-25% तक मुनाफा कमा सकते हैं। बता दें कि त्योहारों के समय लोग अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ, लक्ष्मी जी के पैर के स्टीकर, सजावटी दिए, रंग बिरंगे डेकोरेटिव कैंडल्स, झालर, रंगोली, भगवानों की फोटो इत्यादि का सामान बहुत अधिक खरीदते हैं। खासकर दिवाली से 2 दिन पहले तो लोगों की काफी भीड़ जुट जाती है और तब आप पूजा के सामान से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पूजा सामग्री के बिजनेस की मार्केटिंग। जब आप अपना बिजनेस शुरू करें तो ध्यान रखें कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे सामान खरीदने के लिए आए। आप अपने घर के आसपास लोकल मार्केट में अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने पूजा के सामान का बिजनेस शुरू किया है और आप दूसरे दुकानदारों से कम पैसों में सामान दे सकते हैं। इस तरह लोग आपसे ही सारा सामान खरीदेंगे। आप सोशल मीडिया के जरिए या फिर पोस्टर या बैनर लगाकर भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अपना पूजा सामग्री का बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।